नमस्कार, मैं हूँ विकास। आज हम जानेंगे पेट के विकार व पेट में गैस बनना, कब्ज, एसिडिटी, इन सभी समस्याओं को हम योग के द्वारा कैसे निजात दिला सकते हैं और कौन से योग करें तो हमारा ये पेट का गैस, एसिडिटी व साथ ही साथ मधुमेह कंट्रोल में रहे व पेट में गैस ना बने, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को फैला लें, हाथ पीछे करके लेट जाएं। अब दोनों पैर को अपनी छाती पसलाकर दोनों हाथों से पकड़ लें और अपने नखसिका से अपने घुटने को छुआएं धीरे धीरे, जितना संभव हो सके उतना सांस छोड़ते हुए। जितना संभव हो सके उतने बार कर सकते हैं इसको। धीरे धीरे आराम से करें। पैर के पंजे दोनों मुड़े होने चाहिए और कुल्ली के पास अपना पैर होना चाहिए। आठ से दस बार कर सकते हैं इस क्रिया को। यह मधुमेह व पेट के विकार, कब्ज, एसिडिटी, पेट की हर समस्या के लिए ये योगासन है। आराम कर ले थोड़ा। दूसरा आसन है उत्तान पदासन। इसमें आप पट सपाट लेट जाएं, उसके बाद आप दोनों पैरों को ऊपर उठा लें और दोनों हाथों को भी, और ऐसे उठाएं कि एक फीट के ऊपर अपने पैर को रखें और हाथ को भी वैसे ही उसके सोज में रखें। ऐसे रखें कि आपके सिर से आपको नहीं दिखना चाहिए आपका पैर। यह है उत्तान पदासन। इस क्रिया से भी हमारे मधुमेह व पेट के जो भी समस्या बीमारी है उसे हमारी समस्या निजात मिलता है इस योगासन से। लगभग अपने मन इच्छा के अनुसार से योगासन को कर सकते हैं आप। रिलैक्स करके करें ये इस योगासन में, क्योंकि इसमें थकान अधिक लगता है। दूसरा योगासन है हिलना डुलना लुढ़कना आसन, पवन मुक्त आसन की है। सपाट लेट जाएं, उसके बाद दोनों पैर को पकड़ लें और दोनों पैर को अपनी छाती पर लाकर दोनों हाथों से पकड़कर आगे पीछे लुढ़किए। जितना संभव सके कितने बार इसको भी कर सकते हैं आप। इससे भी पेट का विकार, गैस, एसिडिटी व कब्जा सभी समस्या से दूर होते हैं। पहला आसन है पवन मुक्त आसन, दूसरा है उत्तान पदासन और तीसरा है पवन मुक्त आसन में हिलना डुलना आसन। ये तीनों आसन में हमारे पेट, गैस व पेट का जो भी बीमारी हुआ दूर होता है व हमारे पेट लचीला होता है। व वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें व कमेंट करें व अपने ऐसी हेल्थ से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।